इतिहासकारों ने खोज निकाला महाभारत का चक्रव्यूह। कुछ लोगों ने एक गांव में मौजूद एक अजीब सी आकृति देखी। उस आकृति को देख किसी को भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर है क्या। जब भारत के इतिहासकारों को इस प्राचीन आकृति की बात पता चली तो उन्होंने इस गांव में पहुंचकर उस आकृति के रहस्य का पता लगाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने इस आकृति को देखा तो उनके होश उड़ गए। इतिहासकार इस आकृति को देखकर इसलिए चौंक गए क्योंकि ये कोई आम आकृति नहीं बल्कि 5000 साल पहले बनाया गया चक्रव्यूह था जिसे खुद पांडवों ने बनाया था। भारत के बहुत कम लोगों को महाभारत काल के इस असली चक्रव्यूह के बारे में पता है। आज हम इसी के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, पर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। महाभारत के अस्तित्व को लेकर कई तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग इन बातों को एक अफवाह के रूप में लेते हैं तो कुछ इसे सच मानते हैं। परंतु भारत में कुछ ऐसी जगह भी हैं जिन्हें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि महाभारत हुई थी। ऐसी ही एक जगह हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त किया था। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी धार के नीचे बसा राजनौड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। लोगों में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान यहां रुके थे। उन्होंने यहां पर पानी पीने के लिए एक बावड़ी का निर्माण किया था जो आज तक यहां पर मौजूद है। इसी के साथ यहां एक जमीन पर उकेरा हुआ चक्रव्यूह भी है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखें तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है लेकिन बाहर जाने का रास्ता पता नहीं चलता। एक खंडहर नुमा महल के पास मौजूद इस चक्रव्यूह को पिपलू किले के नाम से जाना जाता है। पिपलू नामक ये किला एक पहाड़ी पर स्थित है जहां तक आप ट्रैक करके पहुंच सकते हैं। यहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि एक खंडहर नुमा मंदिर की जगह लोगों ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किया है जिसे वन खंडेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन।